तकनीकी खराबी के बीच स्पाइस जेट फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से दुबई जा रहा था विमान। पटना में द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए नेताओं से मांगा समर्थन। वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी, पीएम के आने से पहले तैयारियों का लिया जायजा। दरोगा भर्ती में अखिलेश यादव ने लगाया घपले का आरोप, जनरल कैटेगरी को आरक्षण देने पर सीएम से मांगा जवाब। अलीगढ़ में शादी के लिए दिए गए अनुदान में 345 आवेदन मिले फर्जी, अपात्रों से होगी वसूली। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्मश्री रामविलास पासवान का जन्मदिन लोक जनशक्ति पार्टी युवा इकाई की जिला और महानगर पार्टी ने धूमधाम से मनाया। वहीं महानगर अध्यक्ष ने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। आज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग ने केक काटा है और मिठाइयाँ बांटी हैं, फल बांटे हैं रामविलास पासवान जी की याद में। आज हाजीपुर में उनकी मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। खबर हरदोई से है जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की संपत्ति को गाजे बाजे के साथ कुर्क कर दिया। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर हरपालपुर और अरवल पुलिस ने 15 से 20 लाख के दो मकानों को कुर्क किया। बता दें कि अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया निवासी दोनों आरोपियों ने गिरोह बनाकर संपत्ति को अर्जित किया था, जिसे पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के कुशल निर्देशन में कुर्क कर लिया गया। दो अभियुक्तों शमीम पुत्र शौकत और साजू पुत्र सत्तार, ये दोनों गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त थे। इनके विरुद्ध थाना अरवल पे गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना SHO हरपालपुर द्वारा की गई। ये अरवल के ग्राम डहलिया के रहने वाले हैं। इनकी संपत्ति, जिनके दोनों के दो मकान हैं, पक्के मकान हैं, उनकी संपत्ति जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क की गई है, जिनके मूल्य क्रमशः 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। बुलंदशहर के रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी को निर्देशित किया कि पौधों के संरक्षण हेतु नियमित पानी, खाद एवं ट्री गार्ड लगाए जाए। साथ ही कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है। कन्नौज छिब्रमऊ विकासखंड की ग्राम पंचायत महमूदपुर खास में वृक्षारोपण का खास कार्यक्रम किया गया, जिसमें परियोजना निर्देशक सुशील कुमार, विकासखंड अधिकारी अखिलेश त्रिपाठी, ADO पंचायत यशकरण सिंह ने ग्रामीणों के साथ लगभग 200 पौधे लगाए। परियोजना निर्देशक ने कहा कि जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायत और पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे ब्लॉक, पूरे जनपद में चल रहा है, वही हमारे ग्राम सभा में चल रहा है। पर्यावरण के संबंध में अगर पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी, फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, लकड़ी भी मिलेगी, पोल्यूशन भी दूर होगा, इसीलिए सरकार का ये उपक्रम चल रहा है। आज पौधरोपण का कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है, तो सभी वरिष्ठ अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है DM साहब ने ब्लॉक ब्लॉक, ताकि दिन भर क्षेत्र में भ्रमण करके देख लें कि जो भी पेड़ वन विभाग से प्राप्त हुए हैं उनको बढ़िया सा लगा दिया जाए। और आज का पूरा दिन वृक्षारोपण और वन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद लगातार जनसंपर्क और जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस क्रम में वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से भगवान नंदी के 51 किलो माला से माल्यार्पण किया गया। वहीं भगवान आदि विश्वेश्वर को साक्षी मानकर नंदीश्वर विराजमान का 51 किलो की रुद्राक्ष माला से पूजन अर्चना एवं अभिषेक का कार्यक्रम किया गया। खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कर्नलगंज क्षेत्र के पौराणिक सकरौरा घाट के पास पौधारोपण करते हुए वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती और समाज को बचाने का संकल्प लिया है और उनके संकल्प को पूरा करने का एक अद्भुत और सार्थक कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है। आज गोंडा राम जानकी मंदिर के नाम से ये इलाका जो है, यहाँ पर वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। पूरे ज़िले में वृक्षारोपण होगा। मंत्रिमंडल के हर सदस्य कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजे गए हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय सांसद हों, चाहे माननीय विधायकगण हों, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी, आम जन को भी इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। खबर औरैया से है, जहां एरवाकटरा कस्बे में स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के कर्मी तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के दामाद द्वारा दी गई तहरीर पर एरवाकटरा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सहकर्मियों से घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण की जानकारी हो सकेगी। खबर महाराजगंज से है, जहां डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देकर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन के खिलाफ भ्रष्टाचार कर जांच कराने की मांग की गई है। वहीं फार्मेसी और फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष सिंह ने बताया कि हाल ही में महाराजगंज ड्रग इंस्पेक्टर सैकड़ों फर्जी मेडिकल स्टोर संचालित करवा रहे हैं, जिसको लेकर फार्मेसी एवं फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को ज्ञापन दिया। फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश के सभी जनपद के जिलाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा मौसी प्रशासन की प्रमुख सचिव श्रीमती अनीता सिंह व खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन मुख्यालय के सहायक आयुक्त औषध श्री दिनेश कुमार तिवारी जी के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का बहुत ज्यादा वायलेशन किया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक हिंदू नेता ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जिला मुख्यालय पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई है, हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही हिंदू संगठन के नेता सतीश ढल ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और सांसद शफीकुर रहमान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में 32 डॉक्टरों का तबादला हुआ है। इसी तरह इमरजेंसी देख रहे ईएमओ का भी तबादला हुआ है। ईएमओ ऑफिस से संबद्ध इमरजेंसी देखने वाले 2 ईएमओ का भी गैर जनपद तबादला हुआ है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी को भी इसी तरह इंटर्न की मदद से संभलवाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो गई है, उम्मीद है जल्द समस्या का समाधान होगा। फिलहाल जैसे तैसे ओपीडी और इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चलाई जा रही है। पहले ही जिला अस्पताल को चलाना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। काफ़ी स्टाफ कम था, डॉक्टर्स भी कम थे, स्टाफ नर्सेज भी कम थे, और अभी जो आज लिस्ट आई है उसमें तो समझिए कि मेरे सारे हाथ काट दिए।
मेरे जितने डॉक्टर्स थे, 7 डॉक्टर्स हमारे चले जा रहे हैं। 2 CMO के यहाँ से हमें मिले हुए थे, EMO जो कि इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, और 5 हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं चले गए हैं, जिसमें 2 एनेस्थेटिस्ट हैं, बेहोशी के दोनों डॉक्टर। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।